Viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Lab. Today we are going to solve this ad portal problem of beginner level. First question, that is, name of the question is when. Okay, let's read the question first. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, एड पोर्टल कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 21 बजे जीएसटी के हिसाब से एंड लास्ट 100 मिनट्स तक रहता है। यू आर गिवन इंटीजर के बिटवीन 0 टू 100 इंक्लूसिवली, के की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक के बीच में दी जाएगी। आपको प्रिंट करना है के मिनट आफ्टर दिस, यानी कि 21 के बाद अगर 10 के है तो 21 डॉट डॉट 10 होना चाहिए। इस आपको भी बहुत ईजी लगेगा। ओके, सो लेट्स सी। Hashtag include input output a string using inference as key. Select integer लेते हैं हम, के सीन किया मैंने के को, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लो a, ठीक है। अंदर करना है कि आपको k को ना 60 से डिवाइड कर देना है, 60 से k जो भी हमारा आंसर है उसको डिवाइड किया 60 से, ठीक है। अब एक भी आया, अब उसको हमें 21 के साथ जोड़ना होगा, तो एक v भी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अभी 21 है, ठीक है। अब v के अंदर क्या, v प्लस और इक्वल्स 2 के अंदर एक, यानी यहाँ तक एक कम्प्लीट हो गया। अब उसकी बारी, तो एक इंटीजर ले लेते हैं कोई भी, मान लो v ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, k का मॉडुलस निकालना है, k मॉडुलस ठीक किया, ठीक है। अब यहाँ बस इतना आ गया, बस हमें अब प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, इफ v की वैल्यू जो लेस देन 10 हुआ, वैल्यू लेस देन 10 हुआ तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपेंड करना है 0, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, v आया पहले, फिर डॉट करना होगा हमें v को, फिर एक छोटा सा जो डॉट वाला बिंदु मतलब कॉलम कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास अपेंड करो 0 को, और फिर उसके बाद बी प्रिंट करो। एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि 10 से ऊपर वैल्यू है, तो सी आउट कर दो, सिंपल सा सी आउट कर दो बी को, फिर अपेंड करो दो डॉट लगा कॉलन, और उसके बाद सिंपल से बी, ठीक है। एक बार कोड रन करके देखते हैं, बिल्कुल सही कोड है वैसे तो। लेट्स रन दिस कोड। अगर आपको 100 वैल्यू दी जाती है तो 22 और 40 हाँ बिल्कुल सही एंटर। अगर आपको 45 दिया जाता है तो 21 और 45 आना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर आपको 63 जाता है, 63 देते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 22 और 3 03, बिल्कुल सही। तो यही कोड है हमारा, अगर आप इसे सबमिट करते हो तो आपका आंसर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लर्निंग पॉइंट था इसमें हमारे पास कि हमें मॉडुलस और डिवाइड करके उसको सही से इस्तेमाल करना, ठीक है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखिए कोडिंग की एक्सप्लोरिंग। संजीव साइनिंग ऑफ।